नोटिफिकेशन का वो 28 मार्च को है गजट नोटिफिकेशन का, 4 अप्रैल को लास्ट डेट है नॉमिनेशन की फाइलिंग का, और 6 अप्रैल को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस होंगी, और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट जो है वो जो कैंडिडेचर का विड्रॉल है वो 8 अप्रैल को है, 8/4, और 26 अप्रैल को अपना पोलिंग डे है, काउंटिंग तो आपको पता है 4 जून है। तो ये सारा कुछ है, और हमारे जो इस बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो 2011 सेंसस और 2000 अभी तो सेंसस नहीं हुआ लेकिन जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन उसके हिसाब से 24 के हिसाब से हमारे जो पॉपुलेशन है वो 18,03,653 है, जिसमें इस बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट से मैं बात करूँ पर्टेन करता है तो 11,78,431 वोटर्स जो हमारे साथ अभी तक रजिस्टर हुए हैं, ठीक है ना, जो इस बार वोट करेंगे, और इसमें जो मेल की संख्या है वो 6,08,675 है, फीमेल की 5,69,732 है, जो हमारे ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं वो 24 हैं, और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू है जिसमें 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 11 जम्मू जिले की, 3 सांबा जिले की, 3 रियासी जिले की, और कालाकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी राजौरी जिले की, तो उसमें जो टोटल इलेक्टर्स हैं हमारे एलिजिबल वो 17,67,837 हैं। जम्मू ज़िले में जो टोटल पोलिंग स्टेशन है वो 1488 जम्मू ज़िले में पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से जो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 2416 हमारे पोलिंग स्टेशन्स हैं। और जो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप सभी से जो खास कर ये है कि ये तो बेसिक डेटा था, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जम्मू ज़िले से पर्टेन करता है या जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आपसे मिलने का एक मकसद मैं और एसपी साहब हमारे साथ हैं विनोद सर भी, ठीक है, तो मेन मकसद ये है कि जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, जब से डेट्स अनाउंस हुई हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स कराना, उसका कोई वायलेशन ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। और मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हमारे साथ विनोद सर भी हैं एज अ एसएसपी जम्मू, तो हम दोनों लोग ये इंश्योर करें कि किसी भी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो। दूसरा चीज़ क्या है कि हर जो राजनीतिक पार्टियां हैं सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तीसरा चीज़ क्या है कि जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो पहले जो भी रहा है इस बार ज़्यादा रहे, और मैं आपके माध्यम से जितने भी एलिजिबल इलेक्टर्स हैं मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, अपील करता भी हूँ और अपील कर भी रहा हूँ कि आप सभी लोग भारी से भारी मात्रा में संख्या में निकल कर आएँ, अपने आसपास के लोगों को भी लेकर आएँ जो भी एलिजिबल हैं, हर तरफ से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। जैसे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि जो विशेष हमारे मतदाता वर्ग हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो 85+ वोटर्स हैं, उनके सबके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो हम जिला प्रशासन और एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, हम सभी लोग, हमारे इतने भी आरओज हैं, सभी लोग ये डिटरमिंड हैं कि उनको बहुत अच्छे से हम फैसिलिटेट करेंगे। और जब बात मैं अभी कर रहा था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब इन्फोर्स हम कराएंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्समेंट वो सभी की जिम्मेदारी है, और ख़ासकर जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो वोटर हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना करें। इलेक्शन कमीशन की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस हैं वो बहुत विस्तृत हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, हमारे पास हैंडबुक हैं, और मैंने भी बहुत सारे सर्कुलर निकाले हैं, CEO ऑफिस से निकला है, तो आप उसको देखें और उनके हिसाब से आप काम करें ताकि कोई वायलेशन ना हो। अब जब वायलेशन कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूशन भी होती हैं तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा, उसके लिए हमारे पास उड़न दस्ता जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो भी इन प्लेस है, वो भी हमारे साथ है, हमारे पास है, और कम से कम 33 ऐसी टीमें लगी हुई जो हर जगह ये सारा कुछ मॉनिटर करती रहेंगी। अच्छा इलेक्शन कराने के लिए स्टैटिक सर्विलेंस टीम, मैंने आपको बता दिया, वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, ये सब भी इन प्लेस हो चुकी हैं जम्मू ज़िले की तरफ से ही करें। हमारे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं जो एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करेंगे, साथ ही साथ सोशल मीडिया और मीडिया का कंट्रोल रूम भी है जो 24/7 यानी 24 घंटे सात के सातों दिन, मतलब जब तक इलेक्शंस हैं, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सब चलता रहेगा।
और MCMC टीम आप जानते हैं जो मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग टीम है वो भी इन प्लेस है, और जो भी कंटेंट वगैरह होगा जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से सर्टिफाई करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल है वो 1950 1950 आपको पता है ये हेल्पलाइन नंबर है, तो उसके हिसाब से फंक्शन करेगा। अगर ये तो एक जो बेसिक जानकारियां हैं वो मैंने आपको मतलब हमारी टीम ने आपको दिया है, और मैं सभी से फिर वही अपील करना चाहूँगा 3-4 चीज़ों पे। पहला, किसी भी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लगा हुआ है उसका वायलेशन ना हो, पहला। दूसरा कि हम चाहेंगे कि जो भी लोग एलिजिबल हमारे वोटर्स हैं वो, मैं तो चाहूँगा कि 100 के 100% लोग जो हैं वो अपना वोट डालने आएँ, और ख़ासकर ऐसे वर्ग से मेरा अनुरोध है, युवा वर्ग से, कि वो अपने खुद तो वोट डालने आएँ और अपने साथ साथ अपने घर परिवार आसपास के जो भी लोग हैं उनको भी प्रेरित करें, उनको साथ में ले आएँ वोट डालें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और 100% जैसा मैंने पहले बोला है, किसी भी तरीके का अगर वॉयलेशन या फिर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो होंगे जिससे लगता है कि वोट में कोई बाधा सकती है, चुनाव में प्रक्रिया में कोई बाधा सकती है, तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा, और उसके लिए जो भी कानूनी तौर पर प्रक्रियाएं होंगी, दंड विधान होगा या जो भी कार्रवाई करना होगा वो किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी लोग मिलकर इस जो लोकतंत्र का महापर्व जिसको बोलते हैं, इस चुनाव प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों, और आप जिला प्रशासन और जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी मदद करें, उनको कोऑपरेट करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में हमारी मदद करें।